नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी राजीव चौधरी का कहना है कि उत्तराखंड की जनता अब प्रदेश को बीजेपी और कांग्रेस के चंगुल से निकलकर आम आदमी पार्टी को सत्ता मिलाना चाहती है। और बीजेपी को लेकर आप पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी राजीव चौधरी का और क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस और भाजपा के अलावा आप पार्टी भी उत्तराखंड में पूरे दमखम के साथ में चुनाव मैदान में उतर गई है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आप पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी राजीव चौधरी जी। बात करेंगे किस तरह की तैयारी है और क्या रणनीति के साथ में चुनाव में है। जिस तरह से आप देख रहा हूँ कि अभी तक कांग्रेस में भी एक बात उठी थी कि चेहरे के साथ में पार्टी, तो क्या आपने अपना चेहरा को डिक्लेयर किया इसके नजर? देखिए, इस बारे में पहले भी पार्टी अपना बयान साफ कर चुकी है। मनीष सिसोदिया जी जब पिछले दौरे पर आए थे, उन्होंने भी इस बात कहा था कि सही समय आने पर पार्टी अपना चेहरा भी घोषित करेगी और वो चेहरा लोकल उत्तराखंड का वासी होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जिसको एक एक उत्तराखंड का व्यक्ति पसंद करेगा और जिसने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना कुछ अच्छा योगदान किया होगा। तो सही समय आने पर आपको इसकी जानकारी मिलेगी। दिनेश मोहनिया का जो बयान आया था उसमें आपके एक और नेता ने, जो प्रांतीय स्तर के बड़े नेता, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया कि हाँ सचमुच ऐसे चार विधायक एक मंत्री हैं जो आपके संपर्क में हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो अभी नामों का खुलासा आप कर नहीं सकते, क्या ये बात पक्की है? आपने शायद वो बयान आधा पढ़ा। चार तो एक आपको नंबर बताया गया, उसके बाद जब बात आई तो सामने ये बताया गया कि चार से भी अधिक लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के संपर्क में। देखिए, और ये हमको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों में सभी लोग जो बैठे हुए हैं वो गलत हैं। उन पार्टियों में भी अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए काम करने के लिए। और उन सबको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में पूरे देश में उभरती आ रही है और उनको ये लगता है अच्छे काम अगर किसी को करने हैं तो उसको अंत में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जिस तरह से लोग आ रहे हैं भाजपा या कांग्रेस या दूसरी या किसी और दल से, क्या कोई शर्त भी है? मतलब टिकट की शर्त है या फिर किसी पद की शर्त है, क्या है? जी, जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है वो एक ही शर्त पर आ रहा है कि वो आकर अपने क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को मजबूत करेगा। किसी की कोई व्यक्तिगत शर्त, किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें नहीं है। हर वो व्यक्ति जो उत्तराखंड को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहता है, वो आज आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है। उसकी सिर्फ इतनी शर्त। चुनाव में टक्कर किससे मानते हैं? साफ तौर पे टक्कर जो है वो बीजेपी से है। कांग्रेस इस देश में अब कहीं पर कोई विकल्प नहीं रही है। चलिए, धन्यवाद। तो राजीव चौधरी साफ तौर पर दावा भी कर रहे हैं कि दिल्ली से अच्छा माहौल रहेगा उत्तराखंड में, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह का प्रदर्शन पार्टी करेगी और कितनी सीटों पर ये जीत हासिल कर सकती है। जसवीर सिंह, जनता टीवी, लक्सर। उत्तराखंड विधानसभा का घेराव करने के दौरान बीते दिन प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। सीएम रावत ने इस झड़प की जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने इसे साजिश करार दिया है। विनय गोयल ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले में मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये कोई आम घटना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और अब भविष्य में इसका खामियाजा सभी पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, इसीलिए इस पर राजनीति ना की जाए। तो वहीं उपनल कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन पर बात करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष केवल अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है क्योंकि सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। ये धरना प्रदर्शन केवल चुनाव नज़दीक आने के साथ ही शुरू हुआ है, इससे साफ हो जाता है कि विपक्ष की क्या भूमिका है। देखिए, जिस तरीके का विधानसभा सत्र चल रहा है और उसको लेकर यहाँ पर जैसे विपक्ष भी लगातार हावी होता रहा है, परंतु जो कल की बात करें, कल यहाँ पर जो है दुर्घटना हुई है, ये इसको दुर्घटना भी कहना सही नहीं होगा कि ये सोची समझी साजिश के तहत जो है ये लग रहा है, क्योंकि लगातार जो भाजपा के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इसमें जो है ये षड्यंत्र रचा गया। उसी को लेकर आज हम जो है यहाँ के प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के विनय गोयल जी, उनसे बात करते हैं कि ये क्या मामला है पूरा। विनय जी, ये जो है अभी कल की घटना को लेकर विपक्ष भी लगातार हावी है और आरोप भी लगा रहा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, उत्तराखंड के इतिहास के हिसाब से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस पर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड एक शांति प्रिय प्रदेश है, भले ही हमारे उत्तराखंड का आंदोलन जन्म आंदोलन से हुआ है, लेकिन सामान्यतः हमारे प्रदेश की छवि एक शांति प्रिय प्रदेश की है। लेकिन जिस प्रकार की घटना ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद
गैरसैंण में पहला बजट सत्र हो रहा है और उस दौरान जो वहाँ घटना हुई है कि एक मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कर चुके हैं और उसके चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव बन रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं, तो वहाँ इस प्रकार की घटना होना निश्चित रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्रकारी सोच है, जो कि जो लोग नहीं चाहते कि उत्तराखंड में शांति हो, यहाँ की सरकार जो स्थिरता से चलते हुए जिसने 4 साल पूरे कर लिए हैं, जनहित के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसको किस प्रकार से परेशान किया जाए, किस प्रकार से उसके मार्ग में रोड़े पैदा किए जाएं। तो ये थे विनय गोयल जी हमारे साथ। इनका खुद का कहना है कि ये जो विपक्ष है लगातार जो हो रहा है वे अपना अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, और जहां तक उसकी बात है जो पथराव हुआ था उस घटना को लेकर इन्होंने साफ कहा है कि इसके लिए जो है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, और ये निंदनीय है। इनका भी कहना था कि ये इससे विपक्ष को भी सबक लेना चाहिए कि आगे पुनरावृत्ति ना हो इसकी। कैमरामैन सुमित डबराल के साथ अवनीश गुप्ता, जनतंत्र टीवी, देहरादून। उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र चल रहा है। सरकार आगामी 4 मार्च को बजट पेश करने वाली है। बजट को लेकर लोगों में खासी उम्मीदें पाल रखी हैं। कई लोगों का मानना है कि सरकार इस बार शिक्षा, चिकित्सा और खेती किसानी पर बड़ी सौगात देगी। बजट को लेकर जनतंत्र टीवी संवाददाता जसवीर सिंह ने हरिद्वार देहात के लोगों से खास बातचीत की है। सैन में सरकार का बजट सत्र चल रहा है, कल सरकार बजट पेश करेगी। बजट को लेकर के हरिद्वार देहात क्षेत्र के लोग किस तरह की उम्मीद पाले हुए हैं, बात करेंगे। हम मौजूद हैं लक्सर के मेन बाजार में और ये गुरदनपुर रोड मोहल्ला है, इसमें बात करेंगे कि यहाँ कुछ लोग हमारे साथ में हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ आम आदमी हैं। आपका नाम क्या सर? फसल पाल जी, जिस तरह से बजट पेश होने जा रहा है, किस तरह की उम्मीद पाल रखी आपने? हमें उम्मीद है कि सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा बजट लाएगी और जो विद्यालय हमारे उनकी स्थिति सुधारने के प्रयास करेगी और जो हमारे युवा हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार के भी उपलब्ध कराएगी। और भी लोग मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? अजय। अजय भाई, आपको क्या लगता है कि इस बजट से कितनी उम्मीद हर आदमी को, चूँकि आप तो व्यापारी भी हैं और किसान भी हैं, दो चीज़ आपके साथ में जुड़ी, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो प्रदेश सरकार के बजट में ये अपेक्षा करूँगा कि पिछले 3-4 सालों से हमारे गन्ने में रुपया भी उन्होंने नहीं बढ़ाया है और इस वर्ष भी रेट डिक्लेयर कर चुके हैं, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। मैं निवेदन भी करूँगा और अपेक्षा भी रखूँगा कि कम से कम इसमें 5 रुपये कुंटल मेरे किसानों को बढ़ा के दिया जाए और व्यापी क्षेत्रों में, खासकर जैसे लक्सर जैसा क्षेत्र है, यहाँ पर जेके टायर के लेवल की एक और फैक्ट्री की आवश्यकता है, यानी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके, यानी कि उद्योगों का विस्तार भी हो, उद्योगों का विस्तार हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है उत्तराखंड का, हमारे पहाड़ी जिलों में इन्होंने प्राधिकरण को समाप्त कर दिया, जबकि प्लेन के जिलों में प्राधिकरण को समाप्त नहीं किया है। ये विकास प्राधिकरण नहीं, ये विनाश प्राधिकरण है। आम आदमी की आकांक्षाओं पर ये कुठारा खाते हैं, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। आपने सुना, कुछ लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में बड़ी उम्मीदें हैं और सरकार खरी उतरेगी, ये अलग बात है कि कल क्या होगा। दूसरे कुछ लोगों ने भी कहा कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, चूंकि केंद्र का बजट दे चुके हैं उससे लोगों को राहत नहीं मिली, ये उनका कहना है। कुछ व्यापारी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ टैक्स वैक्स भी कम किए जा सकते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त है, यानी कि कल का बजट कल पिटारा खुलेगा, उससे पता चलेगा कि लोगों को कितनी राहत मिली है। जसवीर सिंह, जनतंत्र टीवी, लक्ष्य। टिहरी सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में टिहरी सांसद ने केंद्र की योजनाओं को शिलापट पर नाम नहीं लिखे जाने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों की फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र की योजनाओं में अगर लापरवाही की गई तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। वहीं समिति के सदस्यों की ओर से कई विभागों की योजनाओं के संबंध में रखी गई शिकायतों पर सांसद ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और जल्द से जल्द शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा। वहीं अगली बैठक में कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी देने के निर्देश दिए गए हैं। अच्छा रहा, सब अधिकारियों को भी हमने बताया, हमारे सब कार्यकर्ताओं, हम सब मिलकर सबका प्रॉब्लम जिस जिस डिपार्टमेंट का था सब बताते हैं और आगे से बहुत, मैंने कहा कि देश सिर्फ मीटिंग में ही मिलना नहीं चाहिए, बीच में भी मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए एक दूसरे का प्रॉब्लम, ताकि आगे जब आएंगे तो अच्छा लगेगा कि दोनों तरफ से काम हो रखा है, क्योंकि कभी ऐसा लगता है एक तरफ का होता है एक तरफ, ऐसा नहीं, सभी लोग मिलकर काम करें, मेरा ये मैंने यही बोला है और मुझे पूरा विश्वास है
कि आगे काम अच्छी तरह से, वैसे भी होता है कुछ कुछ छूटता है, मगर मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर आगे अच्छे। उत्तरकाशी में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के संविदा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। सहायता सैनिक कल्याण अधिकारी महावीर सिंह राणा ने कहा है कि वो लंबे समय से केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली की गाइडलाइन के अनुसार नियुक्ति को लेकर नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साथ ही कहा कि विभाग में अधिकारियों को सातवां वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, सिर्फ उनके साथ ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे लेकर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के संविदा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। सितारगंज के सहारा डेंटल क्लिनिक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ ने कार्यक्रम रखा, जिसमें सैयद मेराज अहमद राष्ट्रीय संगठन सचिव के नेतृत्व में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बिहार के जिला मुजफ्फरपुर से राकेश कुमार को जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। वहीं संगठन के जिला सचिव डॉक्टर समीर ने नगर पालिका कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सितारगंज में महिला सहिस्ता बेगम को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव मौलाना मेराज अहमद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के लिए काम करता है। साथ ही कहा कि किसी मजलूम के साथ अन्याय हो रहा हो या फिर मानवाधिकार का हनन हो रहा हो तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ हर मजलूम के साथ खड़ा है। क्लिनिक में अंतर्राष्ट्रीय न्याय मानवाधिकार संघ के बैनर तले कार्यकारिणी का विस्तार किया। वहीं बिहार जिला मुजफ्फरपुर से आए हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार से राकेश कुमार जी को मैंने मुजफ्फरपुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया, और वहीं सितारगंज में महिला नगर अध्यक्ष मोहतरमा शाइस्ता जी को डॉक्टर समीर हुसैन द्वारा नियुक्त किया गया, और मैं तमाम ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार के बैनर तले जहां अन्याय हो रहा है वहां न्याय दिलाएं, और इसके बैनर तले मुल्क हिंदुस्तान में यकजहती। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफ़ी गिरावट है, लेकिन देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। वहीं रसोई गैस के बढ़ते दामों से घर की महिलाओं का बजट भी बिगड़ रहा है। पूर्व की सरकार के समय पर बीजेपी के लोग रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर जनता की आवाज बनने का दम भरते थे। आज वही लोग जनता की आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं? आज उन्हीं की सरकार में लगातार पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। स्मृति ईरानी जी आए दिन रोडों में गैस सिलेंडर लेके बैठा करती, तो आज हम स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं कहाँ है स्मृति ईरानी जी, कहाँ है वो जनता का जो कहती थी हम जनता के साथ हैं, कहाँ है आज वो जनता के साथ? वो कोई जनता के साथ नहीं है, सिर्फ उनका छलावा था। आज जनता को ठगने का काम केंद्र सरकार करी है, इसको लेकर पूरे देश में एक आक्रोश है। जिस प्रकार से मोदी जी केंद्र की सरकार आए दिन पेट्रोल और डीजल वृद्धि करी है, उसको लेकर हम आक्रोश कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.